गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन द रैट ट्रैप। तो लेट अस स्टार्ट द लेसन फ्रॉम वी हैव लेफ्ट इट। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। सो द ट्रैम्प, तो हु इज द ट्रैम्प? द रैट ट्रैप सेलर, उसने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहाँ पर सिर्फ बात करने नहीं आया था, वहाँ पर वो सिर्फ अपने आप को वॉर्म करना चाहता था एंड स्लीप, सोना चाहता था। इन दोज डेज द रामसजो आयन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयन मास्टर। उन दिनों जो रामसजो आयन मिल थी, एक फेमस जो आयन मास्टर था, प्रसिद्ध, वो चलाता था उसको। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयन टू द मार्केट। जिसकी इच्छा क्या थी, अच्छी क्वालिटी का लोहा मार्केट में उतारना चाहता था। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। इसलिए दिनों रात वो देखता था, इंस्पेक्शन करता था, भाई काम ठीक चल रहा था कि नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज। और उसी टाइम वो आ गया वहाँ पर फोर्ज में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। रात को जो इंस्पेक्शन का राउंड लेता था, तो उसके लिए वो आ गया वहाँ पर। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो द टॉल रैगमफिन। और स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहले उसकी नज़र उस लंबे रैगमफिन पर गई। रैगमफिन मीन्स ही वॉज वियरिंग रैग्स, इसलिए रैगमफिन कहा गया उसको। तो ये जो रैगमफिन, वैगाबोंड, ट्रैम, पैडलर, ये सारे नेम उसी के हैं, स्ट्रेंजर, रैट्रैप सेलर के हैं। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस। जो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, वार्म होने के लिए इतना क्लोज चला गया था भट्टी के, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, के भी उसके वेट रैग से भाप उठ रही थी। द आयन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। उसने जो ब्लैक स्मिथ्स के एग्जाम्पल था वो फॉलो नहीं किया, यानी कि जो ब्लैक स्मिथ था, ही ट्रीटेड हिम रूडली। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। उसने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके पास नज़दीक गया, एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से देखा उसको। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसकी जो हैट को हटा करके देखा उसने, अच्छी तरह से उसके फेस को देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। नो डाउट, ये तो नील्स ओल्फ तुम हो, कैसे दिखाई देते हो तुम, यानी कि हैरानी से कहा उसने। नील्स ओल्फ द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयन मास्टर एट रामसजो। भाई उसने उसको नहीं देखा था, एंड डिड नॉट इवन नो, उसको जानता भी नहीं था व्हाट हिज नेम वॉज, क्या नाम था उसका। बट इट ओकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अगर भाई ये जो भद्र पुरुष समझता था भाई वो उसका कोई फैमिलियर था पुराना, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, शायद उसको और क्रोनर दे दे, सिंपथी दिखा दे। देयर फोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए एकदम उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था वो, यानी कि उसके भ्रम को एकदम दूर नहीं करना चाहता था वो। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद मी, भगवान जानता भी उसके साथ कितना बुरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा, रैट ट्रैप सेलर ने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट। सेड द आयन मास्टर ने कहा, भाई तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से, आर्मी रेजिमेंट से, यानी कि जो आयन मास्टर ने सोचा, ही वॉज हिज फ्रेंड नील्स ओल्फ एंड ही वॉज इन हिज रेजिमेंट, दैट वॉज द मिस्टेक, ये गलती थी तुम्हारी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन द इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर मैं उस टाइम सर्विस में होता ना, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, ऐसा ना होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, इसमें कोई डाउट नहीं, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस मीन्स जो मालिक था, वह इसके साथ जाना, एंड बी रिसीव्ड बाई ओनर लाइक एंड बी रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसको एक अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के साथी की तरह ट्रीट करना ऑनर के द्वारा। दैट हाउ एवर नॉट डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इससे वो ट्रैम्प जो है पैडलर खुश नहीं हुआ। बट वॉज द रीजन ही हैड स्टोलन मनी विद हिम, उसको डर था कि भी कहीं और खतरा ना आ जाए। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं सोच भी नहीं सकता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा डरा हुआ था। ही थॉट ऑफ द 30 kroner, उसने सोचा 30 kroner के बारे में, बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी विद हिम टू गो अप टू द मैनर हाउस।
उस मैनर हाउस के घर जाना, जो फार्म हाउस का जो ओनर था, जो आयन मास्टर था, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लोइंग डेन। ये तो अपने आप को शेर की गुफा में ले जाने के समान होगा, यानी कि इट वॉज रिस्की। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज। वो तो वहाँ पर भट्टी पर ही के पास ही सोना चाहता था, एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सपिशसली एज पॉसिबल, और बिल्कुल बगैर किसी के डाउट हुए वहाँ से चले जाना चाहता था। द आयन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरिस्ड। आयन मास्टर ने सोचा कि भी वो शायद अपमानित महसूस कर रहा था बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, भाई कपड़े ही वॉज वियरिंग रैक्स, शायद इसलिए शर्म आ रही थी उसको जाने में। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। अरे ये मत सोचो तुम कि भी इतना अच्छा घर है उसका वो शो नहीं कर पाएगा अपने आप को। ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, भाई उसकी वाइफ जो एलिजाबेथ है वो मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, पहले से ही सुना है तुमने ये। माई बॉयज आर अब्रॉड, और दोनों लड़के अब्रॉड हैं, एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और एक बड़ी लड़की के अलावा और कोई नहीं रहता उसके साथ, एंड माई सेल्फ, और उसके अलावा। वी वर जस्ट सेइंग, सिर्फ हम ये सोच रहे थे दैट इफ इट वॉज टू बैड, ये भी बहुत ही गलत होगा, बैड होगा ये, वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, भाई अगर हमारे दोनों के पास कोई कंपनी नहीं होगी क्रिसमस के ओकेजन पर, नाउ कम अलोंग विद मी, मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्टर, और क्रिसमस का जो फूड है भाई वो हम इकट्ठे खाएंगे बैठ करके। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, नो करता रहा वो, एंड द आयन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, उसने सोचा भाई इसको अब हार मान लेनी चाहिए, अब ये नहीं मानेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्स्टाल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट सर्जन स्टॉर्म, तो ये जो ब्लैक स्मिथ को कहा उसने आयन मास्टर ने, भाई ऐसा लगता है शायद कैप्टन तुम्हारे साथ ही प्रेफर करना चाहता था रहना। ही सेड टू द मास्टर, ब्लैक स्मिथ को कहा, एंड टर्नड ऑन हिज हील, वो वहाँ से चल पड़ा। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, वो हंसा आयन मास्टर वहाँ से जाते हुए, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, ब्लैक स्मिथ जो उसको जानता था आयन मास्टर को, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो समझ गया दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि भाई आयन मास्टर ने अपने लास्ट वर्ड नहीं बोले थे, भाई डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अभी करेगा। तो इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरिज व्हील्स, आधा घंटा हुआ भी नहीं था कि भाई जो ब्लैक स्मिथ था उसने जो कैरिज के व्हील्स की आवाज़ सुनी, यानी कि घोड़ागाड़ी के आउटसाइड द फोर्ज भट्टी के बाहर, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नया गेस्ट अंदर आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयन मास्टर, आयन मास्टर नहीं था, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। आयन मास्टर ने सोचा कि भी उसके कहने से वो नहीं गया पेडलर, शायद उसकी लड़की में ज़्यादा परसुएशन मनाने की पावर थी, वह उसको मना सकती थी। शी एंटर्ड फॉलोड बाई अ वैलेट, वैलेट होता सर्वेंट, यानी कि वो एंट्री अंदर आई, उसके पीछे एक सर्वेंट भी आ रहा था, कैरिंग ऑन निजाम जो क्या लिए हुए था, अब बिग फर कोट लिए हुए था, सूट लिए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, ये लड़की सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट, ने बाई नेचर कैसी थी, मोडेस्ट पोलाइटनेस थी उसके फेस पर, एंड लिटल साई, शर्माती थी थोड़ी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और उस फोर्ज में सब कुछ पहले की तरह चल रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी अपने बेंच पर बैठे हुए थे, एंड आयन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, आयन और जो चारकोल था वो भट्टी में उनकी रोशनी नजर आ रही थी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, वो नीचे फ्लोर पर लेट गया था, एंड ले विद अ पीस ऑफ पी गायन अंडर हिज हेड, अपने हेड के नीचे एक जो कच्चे लोहे की चादर थी उसको बिछा करके लेट गया था अपने सिर के नीचे करके, एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी हैट उसकी आंखों से नीचे आ गई थी। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जब उस यंग लड़की ने देखा, शी वेंट अप, उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसने उसकी हैट को उठाया,
The man was evidently used to sleeping with one eye open. वो आदमी जो है एक आँख खोल करके सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो एकदम जंप करके उठ गया और बहुत ही डर गया. यानी कि एडला ने जब उसको शुरू में देखा ऐसा लगा उसको भाई बहुत ही डरा हुआ था वो. एज इफ ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो कुछ चुराया था, और ही हैड रन अवे फ्रॉम द प्रिजन, या किसी जेल से छूट करके भागा था. माय नेम इज एडला विलियमसन, तो उस लड़की ने अपना नाम बताया. सेड द यंग गर्ल, माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट. मेरे फादर जो है घर आए और उन्होंने बताया कि भी आप यहीं फोर्ज पर आज रात सोना चाहते थे. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, मैंने उनसे परमिशन ली फिर टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. भाई यहाँ मैं आई आपको घर ले जाने के लिए. आई एम सो सॉरी कैप्टन, यानी कि सी एड्रेस्ड हिम एज कैप्टन, कि जैसा फादर ने बताया था भी उसका फ्रेंड है वो, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, भाई इतना डिफिकल्ट टाइम तुम पर आया, ये बहुत ही दुख है उसको. सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, यानी कि बड़ी सिंपथी दिखाई उसने, सहानुभूति के साथ उस लड़की ने उसकी तरफ देखा. विद हर हैवी आइज, बड़ी आंखों से. एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड, उसने देखा वो डरा हुआ था. आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया था, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर जेल से भागा था. तो उसने जो नोटिस किया, लड़की जो है बहुत ही यानी कि गुड ऑब्जर्वर थी, उसने देखा भी कुछ ऐसा लगा उसको, लेकिन उसने उसको फिर भी कुछ नहीं कहा. सी थॉट, उसने सोचा. एंड एडिड क्विकली, और एकदम कहा उसको, यू मे बी श्योर कैप्टन, के भी आप श्योर हैं, बिल्कुल यू मे बी श्योर कैप्टन, आप वहाँ पर सेफ रहेंगे. दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, यानी कि जब भी आप वहाँ से आना चाहो आ सकते हो. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, और उस लड़की ने सी रिक्वेस्टेड टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव, उसने कहा भी क्रिसमस के ओकेजन पर आप प्लीज हमारे साथ रहें. सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने इतना फ्रेंडली मैनर से ये बात कही, यानी कि उसको सी एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी सेफ एट देयर होम, भाई उनके घर पर वो सेफ रहेगा, कोई डेंजर नहीं होगा उसको, और जब भी आना चाहे वो आ सकता वहाँ से, कोई खतरा नहीं होगा उसको. यानी कि सी एश्योर्ड हिम अबाउट हिज सेफ्टी देयर. तो उस लड़की ने उसकी सेफ्टी के बारे में उसको एश्योर कराया कि भी वो सेफ, ही वुड बी सेफ देयर, इट वुड नेवर हैव. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द ट्रैम्प रैट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, इतने कॉन्फिडेंस से, यानी कि उसने कॉन्फिडेंस फील किया उस लड़की पर, कॉन्फिडेंस हो गया उसको कि भी ही वुड बी सेफ देयर. और फ्रेंडली मैनर में उसने बात कही, उसका जो कहने का तरीका था इट वॉज फ्रेंडली, तो उसने उस पर जरूर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फील किया. इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किसी ने ऐसा बिहेव किया कि भी आप उसकी परवाह करेंगी, उस पेडलर ने कहा. आई विल कम एट वंस, वो एकदम आपके साथ चलेगा. ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने उससे फर कोट भी एक्सेप्ट किया. विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो उसने उसको दिया नौकर ने, विद अ डीप बो झुक करके. थ्रू इट ओवर इज रैक्स, उसने अपना वो रैक्स के ऊपर लटका लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी, उस यंग लड़की के साथ चल पड़ा आउट टू द कैरिज की तरफ. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, यानी कि उनको तो की तरफ जो हैरान थे वो, तो वो ब्लैक स्मिथ दोनों, उसका अप्रेंटिस और वो मेन ब्लैक स्मिथ, उनकी तरफ उसने देखा भी नहीं. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो मैनर हाउस जा रहा था, उस फार्म हाउस के मालिक के पास, आयन मास्टर के घर में जा रहा था, ही हैड ईविल फोरबोडिंग्स, उसके अंदर कुछ, मन के अंदर कुछ बैड थॉट्स चल रहे थे भाई कुछ बुरा होगा उसके साथ. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, और उसने ही कर्स्ड हिमसेल्फ सेइंग दैट वाई डिड ही स्टोल द मनी ऑफ द क्रॉफ्टर, भाई उसने उसके क्यों पैसे चुराए. ही थॉट नाउ आई एम सीटिंग इन द ट्रैप, और अब वो समझ गया कि भी अब वो ट्रैप हो गया एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब इस जाल से बाहर नहीं आएगा वो. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, नेक्स्ट डे जो है क्रिसमस का ओकेजन था. एंड वेन द आयन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब आयन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आया, तो ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड
whom he had run across so unexpectedly. तो उसके बारे में सोचा उसने अपने फ्रेंड के साथ, बड़ा संतुष्ट था कि उसका फ्रेंड उसके पास आ गया था जो उसको अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था. तो स्टूडेंट दिस लेसन हैज़ मैनी अनएक्सपेक्टेड इंस्टांसिस, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं भाई. ऐसा एज रीडर हम उम्मीद नहीं करते कि भाई वो आयन मास्टर उसको अपने फ्रेंड के रूम में रिकॉग्नाइज करेगा, और ऐसे ही हम ये भी उम्मीद नहीं करते थे कि भी वो क्रॉफ्टर जिसने उसका वेलकम किया था पेडलर का, वो उसके पैसे चुराएगा, जिसने उसको शेल्टर दिया, फूड दिया. तो इसमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हैं, रिएक्शंस हैं एज रीडर, जो आप ध्यान से समझे कि भी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस है. एक फैक्टर इसमें लोनलीनेस का है. क्रॉफ्टर भी अलोन था, ही सफर्ड फ्रॉम लोनलीनेस, सो ही वेलकम्ड द पेडलर. और जो ये आयन मास्टर एंड हिज डॉटर देवर ऑल्सो अलोन, सो दे वेलकम्ड द, दे वॉन्टेड टू वेलकम. वैसे दोनों ने मिसअंडरस्टूड किया कि वो उसका फ्रेंड था, लेकिन वैसे भी जो अकेले भी थे वो क्रिसमस ईव पर चाहते थे भी कोई उनके साथ रहे, इसलिए ही सेंट एडला टू परसुएड हिम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटल फ्लैश ऑन इट बॉन्स. भाई पहले तो फादर एंड डॉटर वर डिस्कसिंग, पहले तो हम देखेंगे भी थोड़ा हेल्दी हो जाए, यानी कि फ्लैश ऑन इज बॉन्स मीन्स भाई इसके कुछ हेल्दी हो जाइए. ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, टेबल पर जो खाना वगैरह लगा रही थी. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेट रैप्स. फिर हम देखेंगे भाई और कुछ बिजनेस कर ले भाई, रेट रैप्स वगैरह बेचने की बजाय भाई और कुछ वेल सेटल इसका कोई बिजनेस करा दे. अच्छा ये सोचा उन्होंने. इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट. बड़ी अजीब बात है कि भी इतनी सब कुछ बैड थिंग्स हुई है उसके जीवन में. सेड द डॉटर, उस लड़की ने कही, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. जब लास्ट इवनिंग उसने उसको देखा, उसने वो सोच भी नहीं सकती थी कि भी वो कभी एजुकेटेड मैन था. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल, तुम धैर्य रखो, सेड द फादर ने कहा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, अरे जब ये क्लीन हो जाएगा बिल्कुल, वैन ही वुड बी बेद नहलाया जाएगा उसको, एंड ही वुड बी ड्रेस्ड अप, नए कपड़े डालेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट लगेगी तुम्हें, बिल्कुल डिफरेंट लगेगा वो. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरिस्ड, ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था थोड़ा. द ट्रैम्प मैनर्ज विल फॉल अवे फ्राम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ, और उसका जो ट्रैम्प मैनर्ज है, एक भिखारी जैसा जो तरीका है उसका, वो ख़त्म हो जाएगा उसका, यानी कि उसकी बॉडी से दूर हो जाएगा. विद द ट्रैम्प क्लोथ, जब वो रैग्स को उतारेगा, नए कपड़े डालेगा. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जब उसने ये बात कही दरवाज़ा खुला. एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और स्ट्रेंजर ने एंट्री की. स्ट्रेंजर कौन? पेडलर, रेट रैप सेलर, रैग मफिन. यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, बिल्कुल क्लीन था एंड वेल ड्रेस्ड था. द वैलेट हैड बेथ्ड हिम, वैलेट ने उसको नहलाया था. कट इज हेयर, बाल काटे उसके. एंड शेव्ड हिम, शेविंग की उसकी. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और जो सूट डाले हुए था वो गुड लुकिंग सूट, वेल ड्रेस्ड लग रहा था बिल्कुल उसमें. विच बिलोंग टू द आयन मास्टर, जो आयन मास्टर का सूट था. ही वोर अ वाइट शर्ट डाले हुए था एंड अ स्टार्च्ड कॉलर, एक स्टार्च्ड कॉलर की शर्ट थी वो, स्टार्च्ड कॉलर लगाए हुए था गले में. एंड होल शूज, ऊपर तक के शूज डाले हुए था. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, हालांकि उसका जो मेहमान था, हु इज द गेस्ट, रेट ट्रैप सेलर, बिल्कुल सजा हुआ था. द आयन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन वो खुश नहीं नजर आ रहा था. वट वॉज द रीजन? ही लुक्ड एट हिम विद पुकर्ड ब्रो, यानी कि उसने उसकी तरफ आंख तोड़िया डाल करके देखा. पुकर्ड ब्रो मीन्स, यानी कि उसका, हिज फेस डिड नॉट गिव अ गुड लुक. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, ये आसान था ये बात समझना, दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जब उसने उसको अनसर्टेन रिफ्लेक्शन के अंदर, यानी कि फौज के पास, वो बट्टी के पास बैठा हुआ था, तो उस अंधेरे में उसने रिफ्लेक्शन में शायद उससे गलती हो गई थी, यानी कि वहाँ पर. नाउ वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और जब उसने बिल्कुल दिन में रोशनी में उसको देखा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो ये असंभव था
ये समझना उससे कि भी वो उसका ओल्ड फ्रेंड था, यानी कि ऐसी गलतियाँ वो कर ही नहीं सकता था। इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टॉल, तो ही वॉज मिस्टेकन, उससे गलती हुई थी। तो यहाँ पर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इंस्टांसिस आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये उम्मीद भी नहीं थी, पहले तो उसने उसको अपना फ्रेंड समझा और अभी इसको गुस्से में कहा भाई भाग जाओ यहाँ से, अदरवाइज ही वुड मेक हिम अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कराएगा। तो स्टूडेंट्स यू विल राइट एंड लर्न क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन, द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कम्प्लीटेड टुमारो। थैंक यू।